बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस सा नो कुक डिजर्ट, जो कि मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी से। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है, ये मुंह में जाते ही खुल जाता है। सो वीडियो को अभी से कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि इसी तरह का मजेदार कॉन्टेंट आपको हर वक्त मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस डिलिशियस नो कुक डिजर्ट। यहाँ पर नो कुक स्ट्रॉबेरी डिजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 स्ट्रॉबेरीज ली है, और इसको जो है अब हम काट लेंगे। आपने इसे रफली चॉप कर लेना, साइड से हमने रिमूव कर देना है और रफली ही हमें इसे चॉप कर लेना है। इसको रफली काटने के बाद यहाँ पर मैं इसे एक अदद बॉल के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब शुगर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपकी भी स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर थोड़ी सी खट्टी मीठी हो तो आप जो है ना शुगर को जरूर ऐड करें, पर अगर स्ट्रॉबेरीज आपकी बिल्कुल मीठी हैं तो फिर आप शुगर को जो है स्किप कर सकते हैं। मिक्स करना है, और जैसे ही शुगर इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, हमने सारे मिक्सचर को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर जो है हमने इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। आपने पानी वगैरह का यूज नहीं करना, और इस तरीके से बस आपने एक सिरप से रेडी कर लेना है इसका। और आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने एक अदद बॉल लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी यहाँ पर व्हिप क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप के करीब व्हिप क्रीम ली है, यानी 1 कप से आपने थोड़ी सी क्रीम 1/4 कप के करीब निकाल लेनी है, और बाकी की क्रीम आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बीटर की हेल्प से अच्छा सा व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसे हैंड व्हिस्क की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट हमें इसे इसकी सॉफ्ट पीक्स चाहिए। जब इस तरीके से इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं, तो बस अब स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रॉबेरी का सिरप हमने रेडी किया था, ये बस अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। शुगर हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्ट्रॉबेरी का सिरप हमने रेडी किया है ये मीठा है। बस हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मैं इसमें मजीद ऐड करूंगी। चलो जी, अब जो अच्छा सा कलर है क्रीम का हमें रिक्वायर्ड वो आ चुका है। यहाँ पर लेंगे एक सर्विंग ट्रे, और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है प्लेन केक वनीला फ्लेवर में मैंने लिया। इसमें अब हम इस तरीके से इसको असेंबल कर देंगे फर्स्ट लेयर। के हिसाब से इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, हाफ कट करके भी। हाफ कप के करीब दूध है मेरे पास, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर ली थी, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इस केक के ऊपर डाल दूंगी। ज्यादा नहीं डालना आपने, बस जस्ट थोड़ा थोड़ा आपने इसको सोक कर लेना है। अपनी क्रीम रेडी की है, एक लेयर हम उस क्रीम की लगा देंगे इसके ऊपर। आपने इसे ऊपर से लेवल आउट कर देना है, कि यहां पर हम अपने केक की एक लेयर लगाएंगे इस तरीके से। दोबारा से इन कॉर्नर्स को भी आपने फिल करना है। मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर क्रीम की लेयर को सेट करने के बाद मेरे पास कुछ फ्रेश कटी हुई स्ट्रॉबेरीज हैं। इसको आप एज अ डेकोरेशन ऊपर यूज कर सकते हैं,
डेकोरेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको पसंद हो। और मैं अब बस सिंपल से तरीके से इसको डेकोरेट कर लूंगी। और यहाँ पर मेरे पास प्लेन केक जो बचा हुआ था उसे इस तरीके से हाथों से क्रश कर लिया है, और इसको अब मैं इसके ऊपर साइडों पर इस तरीके से लगा दूंगी। अगेन वही है कि आप जिस भी तरीके से इसे डेकोरेट करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और बस मैं सिंपल तरीके से ही इसके कॉर्नर्स पर ये क्रश किया हुआ प्लेन केक यूज कर लूंगी, और बस ये रेडी है। चलिए जी, और अब यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस बनता है ये डिजर्ट, और सबसे अच्छी बात कि बहुत इजीली 10 से 15 मिनट में बन जाता है। आई होप आपको आज की ये नो बेक नो कुक डिजर्ट की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आज मैं आप लोगों के साथ बिना चूल्हे को जलाए हुए मिनटों में बन जाने वाले डिजर्ट की इतनी जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बेहद आसान है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जबरदस्त से ब्रेड क्रीम रोल्स, जिसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब टेट्रा पैक क्रीम ली है। अब यहाँ पर आप चाहें तो व्हिप क्रीम का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम से बनाऊंगी जो इजीली अवेलेबल होती है, आसानी के साथ मिल जाती है। चलिए जी, अब यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, इसकी हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि क्रीम जो है ना हमारी थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। सो 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून हम पहले शुगर ऐड करेंगे। मैं पाउडर शुगर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जल्दी से डिजोल्व हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो बचा हुआ 1 टेबलस्पून है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी अराउंड 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मीठा ऐड किया है। अब चूंकि टेट्रा पैक क्रीम फीकी होती है इसलिए हम इसमें मीठा ऐड कर रहे हैं, पर अगर आप व्हिप क्रीम यूज कर रहे हैं, जैसे कि व्हिपी व्हिप की क्रीम होती है वो थोड़ी मीठी होती है, तो उसमें आपको जो है ना एडिशनल मीठा डालने की जरूरत नहीं होती। खैर, अब यहाँ पर इसे व्हिप करके एक साइड पर रख देंगे। चले जी, अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, अराउंड 7 to 8 स्लाइसेस होंगे ये ब्रेड के, किनारों से काट लेना है, इसके किनारों को हमने अलग कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक बॉल लिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 कप के करीब दूध, और यहाँ पर जो है ना आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो दूध होता है वो ही आप ले सकते हैं, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर दूध को शामिल करने के बाद इसके अंदर अगेन हम शुगर को ऐड करेंगे। दोबारा से मैंने पाउडर शुगर ली है, चूंकि ये जल्दी डिजोल्व हो जाती है, तो 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर आपने पाउडर शुगर के ऐड करने हैं, और विस्की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। चले जी, अब यहाँ पर मैंने लिया है जी फूड कलर, मैं यहाँ पर रेड फूड कलर का यूज कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना जो है ना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस ये जरा सा जो है ना कलर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, वरना एज इट इज भी आप इसको बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में फूड कलर नहीं है तो आप जो है ना जो पाउडर फॉर्म में मिलता है वो भी शामिल कर सकते हैं, वरना टोटली स्किप कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर 2 ड्रॉप्स डाले हैं तो इसका हल्का सा जो है ना पिंक कलर आ चुका है। चलिए जी, अब यहाँ पर जो कटी हुई हमारी ब्रेड थी उसको हमने इस दूध के मिक्सचर में इस तरीके से डिप करना है, और डिप करने के बाद आपने हाथों की हेल्प से जो है ना स्क्वीज कर लेना है ताकि जो एक्सेस मिल्क है इसके अंदर वो निकल जाए। और बहुत हल्के हाथों से आपने ये सारा प्रोसेस करना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है दूध में जाने के बाद, तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ना कि आपकी ब्रेड जो है ना वो टूटे नहीं, पर ये है कि अच्छे से डिप भी हो जाए, यानी दूध इसके अंदर आ जाए। बेसिकली हमारा जो पर्पस है ना यहाँ पर, इसे एक तो इसको कलर देना है ब्रेड को ऊपर से, और सेकेंडली ये कि हम ब्रेड जो यूज कर रहे हैं वो फीकी वाली है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस दूध वाले मिक्सचर में चीनी का यूज किया है ताकि इस मिक्सचर में डिप करने के बाद ब्रेड जो है ना वो हमारी मीठी हो जाए। डिजर्ट है इसलिए मीठा होना जरूरी है। पर अगर यहाँ पर एक और टिप, अगर आप मिल्की ब्रेड यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी शुगर डालने की जरूरत नहीं है। तो बस अब मैं बारी बारी ये सारे ही स्लाइसेस इसमें डिप कर लूंगी। चले जी, अब सारे स्लाइसेस हमारे रेडी है। अब मैंने यहाँ पर जी एक प्लेट ली है, और उस प्लेट के अंदर हम ये एक तैयार किया हुआ जो हमारा ब्रेड स्लाइस था वो रख देंगे, और इसके ऊपर जो तैयार की हुई हमारी क्रीम थी का हल्का इस पर स्प्रेड कर देंगे। हाथों के साथ आपने इस ब्रेड को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चले जी, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने रोल्स को बनाना है। और अब यहाँ पर इन्हें रेडी करने के बाद मैंने लिया है जी डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जो होता है बहुत इजीली मिल जाता है, ये आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ये भी अगेन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं।
चले जी, अब इसके बाद यहाँ पर लिए हैं जी मैंने थोड़े से नट्स, इसे मजीद जो है ना फ्लेवरफुल बनाने के लिए और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़े से मैंने लिए हैं पिस्ताशियोज और थोड़े से आमंड्स लिए हैं, उनको मैंने जो है ना इस तरीके से पतला पतला काट लिया है स्लाइसेस में और वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। सो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी इसे ट्राई कीजिएगा, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।